और रायपुर की बात करेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर मीटिंग होगी। कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में शामिल होंगे। कई बड़े विषयों को लेकर बातचीत होगी। कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और बता दें आपको कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल पहले शामिल होंगे, उसके बाद अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे। चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर मीटिंग है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक है, बड़ी मीटिंग है। कई वरिष्ठ नेताओं से यहां पर सीएम भूपेश बघेल मुलाकात भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली का दौरा है, आपको बता दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा चिंतन शिविर एजेंडे को लेकर बैठक यहां पर की जा रही है, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वर्किंग कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के, जो कई विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके पहले सीएम भूपेश बघेल विधानसभा वार दौरा कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका दिल्ली का दौरा और कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात दिल्ली में आज होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की चिंतन शिविर को लेकर, इस एजेंडे को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक मानी जा रही है, इसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। आज उनका दिल्ली का दौरा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य में तमाम नेता जो है वो इसमें शामिल है। सीएम भूपेश बघेल भी इस वर्किंग कमेटी में शामिल है और कई विषयों को लेकर बातचीत होगी। रायपुर चलेंगे, सुप्रिया पांडे से बात करेंगे। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर और किन किन विषयों पर मंथन होगा? बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कुछ देर पहले ही रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और CWC की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद ये जो राजस्थान में चिंतन शिविर होने वाला है, उससे पहले CWC की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि कई बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और चिंतन शिविर में क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ये ज़रूरी देख रही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए थे और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, इस वजह से चिंतन शिविर तो बुलाई गई है और उसके पहले वर्किंग कमेटी की बैठक है, ताकि संगठन को कैसे मजबूत करे और आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से उतरे ताकि जनता उन्हें वोट दे। तो ये तमाम बातें हैं जिसे लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुप्रिया पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।